हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एल एन जी माई सेल्फ अविनेश सैनी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज एक्सलेशन इन सर्कुलर मोशन यहाँ पर सेंटिपिटल टेंजेंशियल एक्सलेशन में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि ये सेंटिपिटल एक्सलेशन क्या है और ये सेंटर की तरफ क्यों आ गया और फिर ये वेलोसिटी को चेंज कर रहा है मैग्नीट्यूड को क्यों चेंज नहीं कर रहा है डायरेक्शन कोई क्यों चेंज कर रहा है इन सब पॉइंट्स को आज हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं तो देखिए इस एक्सलेशन को समझने से पहले आपको एक दूसरी चीज का पता होना चाहिए जिसको हम कहते हैं रोटेटिंग वेक्टर अगर आपको रोटेटिंग वेक्टर का कॉन्सेप्ट पता है तो आप सर्कुलर मोशन में ये सारे एक्सलेशन बहुत ईजिली समझ सकते हैं लेट्स ये कोई भी एक वैक्टर है ए वैक्टर मैंने रेंडमली कोई वैक्टर मान लिया ये पोजिशन वैक्टर भी हो सकता है ये विलासिटी वैक्टर भी हो सकता है ये एक्सलेशन वैक्टर भी हो सकता है इट कैन बी एंगुलर मोमेंटम वैक्टर इट कैन बी एनी वैक्टर तो एक जर्नल ए वैक्टर है एंड दिस ए इज दिसली रोटेटिंग ओमेगा एंगुलर एलोस्टी रोटेट कर रहा है आप देख सकते हैं ये प्लेन में घूम रहा है इतना आपको नॉलेज है ऑलरेडी कि अगर ये एंटी एंटीक्लोकवाइज घूम रहा है तो इसकी एंगुलर इलास्टिक का डायरेक्शन किधर होगा बाहर की तरफ एंगुलर इलास्टी होगी ओमेगा वेक्टर इक्वल टू तो ओमेगा के कैप अब ये पार्ट आ, आ, वेक्टर अगर रोटेट कर रहा है तो क्या हम कहेंगे कि वेक्टर कांस्टेंट है नो इट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट इट इज चेंजिंग इन डायरेक्शन ये डायरेक्शन में चेंज हो रहा है अगर इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इस वैक्टर का रेट ऑफ चेंज डी ए बाई वो कितना होगा अगर हम ये पता कर लें तो यहां से फिजिक्स में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहां में जनरली कन्फ्यूजन रहता है आगे रोटेशन में आके एंगुलर मोमेंटम वाला पॉइंट ऐसा ही आएगा जहां ये कंफ्यूजन आपको फिर आएगा कि ये टॉर्क मोमेंटम, टॉर्क मोमेंटम के परपेंडिकुलर हो गया तो वो केवल डायरेक्शन क्यों चेंज कर रहा है मैग्नीट्यूड क्यों चेंज नहीं कर रहा वो सारा जड़ यहीं से है ये अगर आपने समझ लिया तो देखिए एंगल रोटेट हो गया होगा ओमेगा अब ये जो वेक्टर ए है इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूं ए ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा ठीक कंपोनेंट कर लिए कॉस ओमेगा इसको अगर मैं डिफ्रेंशियट करता हूं डी ए वैक्टर बाई डी टी तो देखो कॉस का डिफ्रेंशियन माइनस साइन आ जाएगा ये बनेगा माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी जे कैप सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वैक्टर पहले मैंने वैक्टर किसी टी टाइम पर लिखा और उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया अगर आप ध्यान से देखें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है बट इट इज चेंजिंग इन डायरेक्शन सो द वेक्टर इज चेंजिंग हमें इसका रेट ऑफ चेंज देखना है अब डी ए बाई डी टी हमने सॉल्व किया तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू आई दिस इज माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी ये साइन ओमेगा टी था साइन ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी जे कैप इतना हमें मिल गया था जो हमने लास्ट स्लाइड पर सॉल्व किया था राइट अब यहां से आपको लगेगा कि सर आपने किसी टी टाइम पर लिखा डिफेंशिएट कर दिया तो उससे क्या मिल गया अब इसके बाद इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है इस डी ए वैक्टर बाई डी टी को आप लिख सकते हो ओमेगा वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर िस कैन बी दिस विल बी ओमेगा क्रॉस ए वैक्टर क्यों क्योंकि ओमेगा वैक्टर कितना आया था ओमेगा के कैप और ए वैक्टर क्या था ए कॉस ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप अगर आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो तो जब के क्रॉस आई करोगे तो वो जे कैप हो जाएगा दैट मीन्स ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी जे कैप और जब के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई कैप आ जाएगा सो so इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई वेक्टर केवल डायरेक्शन में चेंज हो रहा है अगर कोई वेक्टर केवल डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज हमेशा होता है ओमेगा ओमेगा वेक्टर वेक्टर क्रॉस वेयर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स ओरिएंटेशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगल जिस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है और इस क्वांटिटी को अगर आप कोई नया नाम दे दो इसको मैं बी वेक्टर कह देता हूं लेट्स से ए वेक्टर का रेट ऑफ चेंज वो कोई नया वेक्टर वेक्टर है बी बी विल ओमेगा क्रॉस ए। अगर कोई वेक्टर ऐसा है जो डायरेक्शन में केवल चेंज हो रहा है तो उसको चेंज करने वाली क्वांटिटी मतलब बी उसको चेंज करने वाला दूसरा वेक्टर मतलब उसका रेट ऑफ चेंज हमेशा उस ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा

एक्सवाई प्लेन में घूम रहा है और ओमेगा बाहर की तरफ है तो ओमेगा क्रॉस ए जब आप करोगे ओमेगा क्रॉस ओमेगा बाहर की तरफ है ए उधर है तो वो एक्सिस की तरफ आएगा तो हमेशा वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर रहेगा यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर ये आपने समझ लिया तो बस एक्सलेशन वाली वो सारी कहानी आपको समझ में आ गई एक बार और रिपीट कर देता हूं इफ एनी वेक्टर इज चेंजिंग इन डायरेक्शन मतलब वो केवल रोटेट कर रहा है से? तो जिसके कारण वो रोटेट कर रहा है इसका रेट ऑफ चेंज मतलब वो नया वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा और ओमेगा के हो ओमेगा के परपेंडिकुलर होगा एक्सिस एक्सिस में में और ये में इस वक्त तो वो नया वेक्टर होगा वाई एक्सिस की तरफ जैसे जैसे ये वेक्टर चेंज होता जाएगा ये इधर आ गया तो वो यू बन जाएगा ओमेगा क्रॉस ए हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगा अब हम आते हैं वापस सर्कुलर मोशन पर सर्कुलर मोशन में पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखो यहां पर सेंटर है और इस पॉइंट पर घूम रहा है अभी वो पर है ऐसे रोटेट करेगा तो सेंटर को अगर ओरिजिन मान लें तो वो आर वेक्टर बन गया आर वेक्टर उसका पोजिशन वैक्टर है तो ये वेलॉसिटी वैक्टर क्या कर रहा है ये वेलॉसिटी उस आर वैक्टर केवल डायरेक्शन को चेंज कर रहा है दैट मीनस जब मैं वेलॉसिटी वेक्टर को लिखूंगा डी आर वैक्टर बाई डी टी तो आप कह सकते हो कि सर ये ओमेगा क्रॉस आर आएगा क्योंकि अभी हमने पढ़ा आर वेक्टर का रेट ऑफ चेंज पोजिशन वैक्टर का रेट ऑफ चेंज क्या होता है वेक्टर. और ये पोजिशन वैक्टर केवल डायरेक्शन में चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड में नहीं रेडियस कॉन्स्टेंट रहेगी तो इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर पोजीशन वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा दैट इज ओमेगा क्रॉस आर अगर ये क्लॉकवाइज घूमता है देखो v वेक्टर ऐसे घुमाता जा रहा है r को अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ओमेगा वेक्टर अंदर की तरफ है और r वेक्टर बाहर है तो ओमेगा क्रॉस r वो ऐसे राइट की तरफ वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा अब जब इसने को आपने चलते देखा तो यहां पर r वेक्टर तो चेंज हो ही रहा है लेकिन ये वेलोसिटी वेक्टर भी तो चेंज हो रहा था और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वेलासिटी का मैग्नीट्यूड तो कॉन्स्टेंट है स्पीड चेंज नहीं हो रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डीवी बाई डी टी वो जीरो है इसको आप ये भी लिख सकते हो डीवी वैक्टर का बाय बाई डी टी जीरो है। सर्कुलर मोशन में केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डायरेक्शन का रेट ऑफ चेंज मतलब अगर मैं लिखना चाहूं अब डीवी वैक्टर बाई डी टी तो ये होगा एक्सलेशन वैक्टर और ये एक्सेलेशन वेक्टर क्या लिखा जाएगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर बिल्कुल सेम लॉजिक से जैसे आपने लिखा था कि ए वेक्टर का रेट ऑफ चेंज वो होता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर तो वैसे ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है बट उसका केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो उसको चेंज करने वाला एक्सलेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा Velocity के परपेंडिकुलर होगा और डायरेक्शन हम कैसे देखेंगे? देखिए ये हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर क्या लिख सकते हो वीआई कैप और क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी तो वेक्टर को क्या लिख सकते हो, तो हो? माइनस ओमेगा के कैप और ये जब चलेगा सर्कल पर तो वेलोसिटी का केवल डायरेक्शन चेंज हुआ तो जो एक्सलेशन वेक्टर है वो बना ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर अगर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो तो ये बनेगा माइनस ओमेगा वी इंटू के क्रॉस आई के क्रॉस आई क्या होता है जे कैप तो एक्सलेशन वेक्टर आया माइनस ओमेगा वी जे कैप मतलब यहां पर एक्सलेशन नीचे की तरफ होगा माइनस जे कैप में और नीचे ये सेंटर 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 है सो दिस दिस इज 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 ऑलवेज इट कॉल्ड सेंटिपिटल और की तरफ डायरेक्टेड है तो रेडियस के अलोंग है तो इसको रेडियल वैक्टर भी कहते हैं और क्योंकि ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा इसलिए इसको नॉर्मल एक्सलेशन भी कहते हैं इट इज कॉल्ड सेंटिपिटल इट इज कॉल्ड रेडियल इट इज कॉल्ड नॉर्मल एक्सलेशन जब यहां पर आ जाएगा पार्टिकल तो भी इसके परपेंडिकुलर ही होगा इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टूलोटी वैक्टर बाई आर यहां से वो सेंटीमेटल आया और यहां से पता चला कि वो सेंटर की तरफ ही होगा sure कि ये आपको क्लियर हो गया होगा अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सर्कल uh, पर चलता मैंने यहां ए से स्टार्ट माना तो आप देख रहे हैं इसमें वेलोसिटी का एरो बढ़ता जा रहा है मतलब केवल डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है स्पीड का स्पीड भी चेंज हो रही है और इधर मैं ए से स्टार्ट मानू तो आप क्लियरली देख सकते हैं वेलोसिटी का एरो छोटा होता जा रहा है तो वहां पर मैग्नीट्यूड कम हो रहा है मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कब चेंज होगा जब एक्सलेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगे और केवल डायरेक्शन कब चेंज होगी जब एक्सलेशन और वेलोसिटी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे अगर आप इन दोनों सिचुएशन में देखें तो इसमें वेक्टर का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो एक्सलेशन का एक कंपोनेंट तो सेंटर की तरफ आएगा जिसको हम सेंटिपिटल कहेंगे उसका काम क्या होगा केवल डायरेक्शन चेंज करना और अगले मोमेंट पर आप देख रहे हो स्पीड बढ़ गई है तो एक कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी होगा जिसको हम कहेंगे टेंजेंशियल क्योंकि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग होती है तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करने वाला एक्सेलेरेशन होगा टेंजेंशियल और उसके डायरेक्शन को चेंज करने वाला होगा सेंटिपिटल और जो एटी होगा एटी को आप लिखोगे डीवी बाय डीटी विदाउट ऊपर वेक्टर साइन या डी वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय डीटी उसको आप ये लिखोगे और ये जो सेंटिपिटल है सेंटिपिटल एक्सलेशन को आप क्या लिखोगे वी स्क्वाई आर यहां पर नेट एक्सलेशन इधर बीच में आएगा दिस इज ए नेट नेट इस ए को आप क्या लिखोगे दिस विल बी डी वी वेक्टर बाई डी टी ये जो दो एक्सलेशन आपको दिख रहे हैं सेंटिपिटल और टेंजेंशियल ये एक्चुअली दो एक्सलेशन नहीं है एक ही एक्सलेशन के दो कंपोनेंट हैं दोनों को अलग अलग काम दिया गया है सेंटीपीटर आ गया भैया तुम केवल डायरेक्शन चेंज करोगे और तुम केवल मैग्नीट्यूड चेंज करोगे और नेट आप सॉल्व कर लोगे स्क्वायर स्क्वायर प्लस जब यूनिफॉर्म था तो वहां पर क्या हुआ था केवल डायरेक्शन चेंज हो रही थी तो नेट एक्सलेशन केवल सेंटीपीटल के बराबर आ गया था टेंजेंशियल जीरो था और देखिए इस केस में वेलोसिटी और एक्सलेन के बीच में एंगल थीटा है और जब आप दूसरे वाले सिचुएशन को देखोगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्योंकि घट रहा है तो टेंजेंशियल टेंजेंस के अपोजिट होना चाहिए और सेंटीमिटल तो सेंटर की तरफ ही होगा तो नेट एक्ट के बीच में आएगा ए नेट नेट यहां पर वेलोसिटी और नेट के बीच में एंगल फिर से मैंने थीटा मान लिया तो अब आप एक और रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हो कि अगर एक्सलेन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है दैट मींस एक्सेलेशन इज परपेंडिकुलर टू दी एक्शन है तब जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा या आप, अगर हमेशा ऐसा है इफ इट इज ऑलवेज अगर यह किसी मोमेंट पर है तो आप यह कह सकते हो कि उस मोमेंट पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जीरो है बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी जीरो नहीं है और अगर ऐसा आ गया ए डॉट वी इज ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो का मतलब एक्सलेशन और वेलॉसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री से कम है तो उनका डॉट प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव तो फिर आप कहोगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म है और नॉन यूनिफॉर्म में भी स्पीड अप हो रहा है स्पीड बढ़ती जा रही है और अगर एक्सलेशन और वेलॉसिटी का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया तो भी आप कहोगे नॉन यूनिफॉर्म है बट इट इज स्लोइंग डाउन

और जो कंपोनेंट आएगा इसके परपेंडिकुलर ए साइन थीटा उसको आप लिखोगे वी स्कवायर बाई आर वे विल बी द रेडियस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जिसको हम कभी कभी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं अगर ये सर्कुलर मोशन होता तो फिर हम उसको केवल रेडियस कहते लेकिन अगर सर्कुलर मोशन नहीं है हर पॉइंट पर रेडियस चेंज होता है देन वी कॉल इट जनरली रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इस फॉर्मूले से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सॉल्व कर सकते हो अगर कुछ आगे चला गया मान लीजिए आ गया पार्टिकल और अब की तरफ है, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो नहीं है पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया सेंट्रिपिटल अब इस मोमेंट पर स्पीड चेंज नहीं हो रही है कुछ और आगे जाने पर अगर एक्सेशन इधर हो गया तो दोनों के बीच में एंगल 90 से बड़ा है तो आप कहोगे सर अब ऊपर जाने पर स्पीड कम होगी स्लो डाउन होगा क्योंकि एक्सेशन का एक कंपोनेंट पीछे की तरफ है जो इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा जो इसके डायरेक्शन को चेंज करेगा तो आई एम श्योर कि सर्कुलर मोशन में सेंटिपिटल टेंजेंशियल से क्या करते हैं और उनको क्यों ऐसे अलग अलग कंसिडर किया गया है वो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा और स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये केवल सर्कुलर मोशन के लिए नहीं है ये किसी भी जनरल टूडी मोशन के लगा सकते हो जैसे मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन सर्कुलर मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं एक पार्टिकल को आपने फेंका ग्राउंड पर जाकर गिरा इतना आपको पता है कि ए से लेकर बी तक उसकी स्पीड डिक्रीज होगी बी से सी तक वापस इंक्रीज होगी है ना ये तो आप जानते हो बी पर स्पीड मिनिमम होती है और वो कितनी होती है v थीटा। तो अगर इंटरमीडिएट किसी पॉइंट पर मैं देखूं यहां पर अगर स्पार्टिकल के स्पीड मैं कह देता हूं जी नीचे की तरफ है तो देखो दोनों के बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री से ज्यादा है अगर इस लाइन को पीछे बढ़ा दिया जाए ऐसे और ये इधर वाला एंगल में थीटा अल्फा मान लेता हूं तो जी का के अपोजिट कंपोनेंट क्या बना जी कॉस अल्फा इसके परपेंडिकुलर क्या बना? जी साइन अल्फा आप कहोगे सर इस टाइम पर ये ये जो जी अल्फा है ये स्पीड के मैग्निट्यूड को चेंज कर रहा है दिस इज डी वी डैश वेक्टर का मैग्निट्यूड बाई डी टी और आप कहोगे सर ये जो जी साइन अल्फा है ये वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो जी साइन अल्फा को आप लिखोगे v का स्क्वायर बाई r वेयर r विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो जैसे जैसे ये ऊपर चलता जाएगा हर पॉइंट पर v डैश और अल्फा चेंज होते जाएंगे तो रेडियस भी चेंज होती जाएगी इसीलिए ये ये सर्कुलर मोशन नहीं है है प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पर देखो तो आप कहोगे सर g नीचे की तरफ है दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो हाईएस्ट पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जीरो हो गया सारा एक्सेसेंटीमीटर बन गया हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड मिनिमम एक्सलेशन मैक्सिमम, तो हाईएस्ट पॉइंट पर आप लिखोगे तो आएगी क्योंकि, वी थीटा का जी, क्योंकि वहाँ स्पीड है, और पूरा का पूरा एक्सलेन सेंटिटल है तो सबसे कम रेडियस ऑफ कर्वेचर करवेचर पॉइंट पर होगा नीचे आते वक्त स्पीड क्यों बढ़ती है अगर वेलोसिटी नीचे की तरफ है इसे वी मान लेता हूं जी ये या कुछ भी को बीटा कह देते हैं तो आप देख सकते हो अब जी का परपेंडिकुलर जी, जी साइन बीटा है जी cos बीटा को लिखोगे आप डी वी टू बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वी टू उसके मैग्नीट्यूड का रेट ऑफ चेंज हाँ किसी भी टाइम पर अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि बताओ ये कितना है डी वैक्टर बाई डी टी वो होगा जी माइनस जी का टोटल एक्सलेन तो हमेशा माइनस जी ही रहेगा उसी का एक कंपोनेंट टेंजेंशियल बन गया उसी का एक कंपोनेंट सेंटिटल बन गया ऊपर जाते हुए वे टेंजेंशियल वेलोसिटी के अपोजिट है इसलिए ऊपर जाते हुए स्पीड घट रही है नीचे आते हुए वे टेंजेंशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो नीचे आते हुए स्पीड बढ़ रही है और जैसे जैसे ऊपर जाते घटेगी वैसे वैसे ही नीचे आते बढ़ेगी सिमेट्रिक है इसलिए जितना स्पीड से फेंकोगे उस स्पीड से टकराएगा सो स्टूडेंट्स आई एम श्योर कि अब आपको सेंटिपिटल टेंजेंशियल एक्सप्रेशन के बारे में जो कन्फ्यूजन्स रहते होंगे वो काफी हद तक आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे अगर आपको किसी और टॉपिक में भी ऐसा कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं वी विल मेक वीडियो ऑन दैट ताकि आपको सब्जेक्ट की एकदम क्रिस्टल क्लियर सारी चीजें हो जाए ओके थैंक यू वेरी मच thank you